हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि तो ठीक ही रहना चाहिए। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप सभी ठीक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आज हम चला रहे हैं खेत में पानी, धान के खेत में पानी लगा हुआ है, ट्यूबवेल चला रखा है, तो आज हम धान में पानी दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपको भी दिखाएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो कुछ सुझाव भी भेज सकते हैं आप कमेंट करके हमारे लिए, क्योंकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छा कुछ करें, तो आप सुझाव भेज सकते हैं कमेंट में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। अभी कुछ शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा साफ वीडियो नहीं आ सकता क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। मैं पानी चला रखा है अपने धान के खेत में, और चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, हमने दिखा दिया, हमने आज पानी चलाया है अपने धानों में कई दिन के बाद, क्योंकि पहले बारिश हो रही थी और ट्यूबवेल की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब आवश्यकता पड़ी है क्योंकि गर्मी हुई है, थोड़ी थोड़ी पानी सूख चुका था धानों में, क्योंकि धान की फसल में पानी तो पड़ा ही रहना चाहिए, खेत में भरा ही रहना चाहिए, तभी फसल अच्छी होती है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको दिखाया है, देखिए ट्यूबवेल पहले भी दिखा चुका हूँ, दिखा दिया है, ये देखिए चारों तरफ, और चारों तरफ की हरियाली बहुत ही गजब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।